अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, पाकुड़ वालों की आवाज को क्या हो गया है, ऐसे बोलोगे क्या? मोदी जी दिल्ली में, उन तक आवाज जानी चाहिए। पाकुड़ में बेनी प्रसाद जी को जिताने के लिए भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित साहेबगंज जिला के अध्यक्ष श्रीमान विश्वनाथ गुप्ता जी, आज मैं जिनको जिताने के लिए यहां आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी बेनी प्रसाद गुप्ता जी, हमारे नगरपालिका अध्यक्ष बहरवा के श्री श्यामल दास जी, श्री कमल भगत जी, श्री मिस्पिका हसन जी, श्री कुसुमांकर तिवारी जी, श्री पांचू जी सिंह जी, श्री अनुग्रहित शाह जी, आज यहां पर उपस्थित सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान डॉक्टर अनिल जैन जी, हमारे प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह जी, श्री लोकेश कुशवाहा जी, और आज ये बहुत बड़ी रैली के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं इस बरवाह की महान धरती पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान बेनी प्रसाद जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं झारखंड के प्रसिद्ध बाबा गदेश्वरनाथ धाम शिव गादी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब ज्योतिर्लिंग में विराजमान बाबा वैद्यनाथ और शक्तिपीठ जय दुर्गा शक्ति को भी नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि वीरों की भूमि है। सबसे पहले अंग्रेजों को देश छोड़ने की किसी ने चेतावनी दी तो यही भूमि ने दी। संथाल हुल उसकी लड़ाई हमारा प्रथम स्वातंत्र संग्राम है, और संथाल हुल के अंदर इसी क्षेत्र के मेरे आदिवासी भाइयों ने लड़ते लड़ते अपने जानों की बलिदान दी और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देने का काम किया। वो सभी शहीदों को सिद्धो कानू, चांद भैरव और फूलो जानो दो बहनों को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। कई दशकों तक पहाड़ियों ने जुल्मी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। इस संघर्ष के नायक टीका माझी को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये 5 साल झारखंड के अंदर मोदी जी और रघुवर दास जी ने विकास का रास्ता प्रशस्त करने का काम किया है। एक समय था कि अंग्रेजी घुसपैठ जब संथाल परगना में आई, लोगों ने सताने आई, तब मीर जाफर जैसे गद्दारों ने इसका खुलकर समर्थन किया था
और यहां अंग्रेजों का राज्य प्रशासित हुआ था। मैं आज भी कहता हूं, मीर जाफर जैसे गद्दारों को पहचान कर आपका प्रतिनिधि कोई ऐसा न बन जाए, इसकी चिंता आपने करनी है। यहां से जाकर एक एक वोट को कमल के निशान पर दबा कर करनी है। भाई और बहनों, आज हेमंत जी कांग्रेस की गोदी में बैठकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री, मैं हेमंत जी को पूछना चाहता हूं, सालों सालों तक जब झारखंड के युवा झारखंड राज्य की रचना की लड़ाई लड़ रहे थे, झारखंड के युवाओं पर गोलियां दागी जाती थी, टीयर गैस छोड़े जाते थे, लाठियां भांजी जाती थी, उस वक्त शासन में कौन था? हेमंत जी, आपको याद न हो तो गुरु जी को पूछकर देख लीजिए, उस वक्त शासन में कौन था? उस वक्त शासन में यही कांग्रेस पार्टी थी, यही राजद थी, यही आरजेडी और लालू प्रसाद थे जिन्होंने झारखंड के नौ निहालों को शहीद करने के लिए मजबूर कर दिया था। और आज आप उसी झारखंड विरोधी पार्टियों के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? शर्म करो हेमंत जी, शर्म करो, सत्ता के लिए इतने नीचे नहीं जाते। मित्रों, सालों तक झारखंड के युवा लड़ते रहे परंतु झारखंड राज्य की रचना नहीं हुई जब तक कांग्रेस और आरजेडी का शासन था। झारखंड राज्य की रचना कब हुई? जब केंद्र के अंदर कमल फूल की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई और अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर झारखंड की रचना हुई और ये हमारा झारखंड राज्य बना। मित्रों, अटल जी ने झारखंड को बनाया है और नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड को सवारने का काम किया है, विकास देने का काम। ये झारखंड की भूमि पर नक्सलवाद इतना फैला था कि नक्सलवाद के चलते रोड नहीं बनते थे, बिजली नहीं जाती थी, शौचालय नहीं बनते थे, स्वच्छ पीने का पानी भी नहीं पहुंच रहा था, गैस का सिलेंडर भी नहीं पहुंच रहा था। 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने नक्सलवाद को झारखंड की धरती पर से उखाड़ कर 20 फुट नीचे जमीन में दफन करने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जो जल जंगल जमीन का नारा देते थे, मैं उनको पूछना चाहता हूं, हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहता हूं, आप तो भैया आदिवासियों का नारा देते थे, ये नक्सलवाद आपके शासन के अंदर क्यों चला? मित्रों, मोदी जी ने साहिबगंज योजना इस देश को समर्पित की और ये साहिबगंज योजना से पूरा झारखंड और ये पूरा एक क्षेत्र जल मार्ग से जुड़ जाएगा। सागरमाला परियोजना के तहत हल्दिया और कलकत्ता की बंदरगाह साहिबगंज के साथ जुड़ते ही ये पूरे संथाल परगना के अंदर समृद्धि आने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला है। और हम आने वाले दिनों में ये पूरे क्षेत्र को डेवलपमेंटल कॉरिडोर के रूप में भी विकसित करने वाले हैं। मित्रों, प्राचीन काल में यूरोप और एशिया सब देशों के अंदर यही साहिबगंज से व्यापार होता था, परंतु कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये व्यापार से लदलदा एक क्षेत्र पूरा सुमसाम कर दिया। मोदी जी फिर से इस क्षेत्र के युवाओं के लिए व्यापार के रास्ते खोलना चाहते हैं और साहिबगंज बंदर को
एक वैश्विक व्यापार का केंद्र बनाना चाहते हैं मित्रों, ये तभी हो सकता है जब मोदी जी के हाथ आप मजबूत करो। मित्रों, आज मैं इस धरती पर से झारखंड के पिछड़े समाज के युवाओं को कहने आया हूं, हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर एक घोषणा की है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार बनेगी तो तुरंत ही आदिवासियों और दलितों का रिजर्वेशन कम करे बगैर पिछड़ा समाज के युवाओं को रिजर्वेशन बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है मित्रों। और ये पिछड़ा समाज के युवाओं को मोदी जी ने इतने साल के बाद एक संवैधानिक सम्मान देने का जो काम किया है, इसके तहत यहां पर भी ओबीसी कमीशन बनाकर युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। मित्रों, ये पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र की ही मैं बात करता हूं, देश और दुनिया की बात नहीं करना चाहता। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 साल में इतने विकास के काम किए हैं, मैं राहुल बाबा और हेमंत जी को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा आपके 50 साल के काम का हिसाब लेकर आ जाओ, मेरा युवा मोर्चे का अध्यक्ष यहां साहिबगंज के चौराहे पर खड़ा देकर हिसाब देगा, आपके 50 साल हमारे 5 साल, हमारा पर्दा भारी। मित्रों, पॉलिटेक्निक कॉलेज पाकुड़ प्रखंड के अंदर नई बनाने का काम भाजपा सरकार ने किया, महिला कॉलेज पाकुड़ प्रखंड के अंदर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आईटीआई पाकुड़ और बरहरवा प्रखंड के अंदर नई बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पाकुड़ और बरहरवा दोनों प्रखंड से होकर पाकुड़ से लिट्टीपरा के बीच नया नेशनल हाईवे बनाने का काम स्वीकृत कर दिया गया है, कुछ ही समय में इसकी शुरुआत होगी। पाकुड़ प्रखंड में सौर पेयजल संयंत्र इकाई विकसित की गई है, जल आपूर्ति योजना के तहत मां गंगा का पानी पाकुड़ के हर घर के अंदर नल से पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। पाकुड़ और बरहवा दोनों जगह अस्पताल के भवनों का नवीनीकरण करने का काम समाप्त कर दिया है, 33 करोड़ रुपए की लागत से 60 किलोमीटर लंबी सड़कें यहां पर बनाने का काम पूरा कर दिया गया है। अब पाकुड़ में माताएं बहनें बेटियां खुले में शौच करने के लिए मजबूर नहीं है, 9 सामुदायिक सामूहिक शौचालय और 42,851 गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, पहले पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में बिजली तो कभी कभार आती थी, आज मैं गारंटी से कह रहा हूं 16 से 22 घंटा बिजली आज पूरे क्षेत्र में मिलती है और 14,557 गांवों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम ये रघुवर दास और नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है। मित्रों, लगभग 5,941 लोगों को घर बना कर दिए और 38,501 माताओं के घर में गैस का चूल्हा और सिलेंडर देकर गरीब मां के घर को धुएं से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 40,000 परिवारों को 40,000 से ज्यादा परिवारों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत उठा रही है और 2,337 सखी मंडल बनाकर
लगभग 30,572 महिलाओं को रोजगारी देने का काम और गाय दुधारू गाय देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। संथाल परगना की मैं बात करूं तो देवधर और दुमका में नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। डाकिया योजना के तहत मेरे आदिवासी भाइयों को 35 किलो अनाज घर पर पहुंचाया जा रहा है। दुमका मेडिकल कॉलेज बन रहा है जिससे दुमका गोड्डा पाकुड़ जामताड़ा और साहेबगंज और देवधर जिले के 70 लाख लोगों को उनके युवाओं को डॉक्टर बनने का रास्ता प्रशस्त कर दिया गया है। हमारे बाबा का मेला श्रावणी मेला इसको विश्व स्तरीय सुविधाओं से हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। गंगा नदी पर फोर लेन ब्रिज और बंदरगाह का निर्माण चालू है। 26 ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के तहत 3.28 लाख परिवारों को पाइपलाइन से द्वारा गंगा का पानी दिया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संथाल परगना के 1,21,000 परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए। मित्रों, जबरन धर्मांतरण इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण मुद्दा था। रघुवर दास की सरकार ने जबरन धर्मांतरण को झारखंड के अंदर बंद कर आदिवासी भाइयों की सहायता करने का काम किया है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 25,000 रुपया 5 एकड़ वाले किसान को मोदी जी भी 5-6,000 रुपया दे रहे हैं। 1 रुपये में महिलाओं को रजिस्ट्री और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लगभग 40,000 रुपया पहले और 30,000 शादी में 70,000 रुपया देने का प्रावधान किया है। टाना भगत विकास प्राधिकरण का गठन किया। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों जगह भव्य स्मारक बनाए और मोदी जी ने भी झारखंड के विकास के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा है। मित्रों, बाबा देवधर की नगरी में एम्स बनाई। देवधर जमशेदपुर दुमका बोकारो में एयरपोर्ट, रांची में कैंसर अस्पताल, पतरातू में पावर प्लांट, हजारीबाग पलामू और दुमका में मेडिकल कॉलेज, चाईबासा और कोडरमा में इसके टेंडर निकल गए हैं। 5 मेडिकल कॉलेज बनाए और फिर से सिंदरी का उर्वरक कारखाना शुरू किया। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। और ये राहुल बाबा अभी अभी इधर उधर घूम रहे हैं और हेमंत जी भी उनके कंधे पर बैठकर घूम रहे कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। मैं दोनों को पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा 10 साल तक आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने क्या किया झारखंड के विकास के लिए? ये साहिबगंज में आकर इसका जरा हिसाब किताब दीजिए, पाकुड़ में आकर जरा इसका हिसाब किताब दीजिए। मैंने तो पाई पाई का हिसाब दिया है। मित्रों बताओ, राहुल बाबा और कांग्रेस वाले जामुमो वाले आए तो हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? सुनाई नहीं पड़ता है, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? वो नहीं देंगे मगर मैं लेकर आया हूं, दे दूं हिसाब, दे दूं हिसाब। तो ध्यान से सुनिएगा मित्रों, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 13वां वित्त आयोग आया। 13वें वित्त आयोग में 5 साल में मनमोहन सिंह जी ने 55,000 करोड़ रुपया दिया था। 55,253 करोड़ रुपया, 55,000। आप बताओ कितना दिया था? जोर से बोलो कितना? अब आपने नरेंद्र मोदी की सरकार बना दी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 55,000 के सामने 3,08,487 करोड़ रुपया देने का काम किया। और राहुल बाबा आप विकास की बात करते हो,
जरा अपना हिसाब किताब लेकर आओ, हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता भी आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। अब मैंने एक नई बात देख रहा हूं भाई, इस प्रचार में ये राहुल बाबा और हेमंत जी घूमते हैं तो कहते हैं कश्मीर की बात आप झारखंड के अंदर क्यों कर रहे हो, माताओं भाइयों बहनों मैं आपसे जानने आया हूं, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बने, जोर से बोलिए चाहते हैं या नहीं चाहते। राहुल बाबा टकवाद पहुंचे वैसे वाद से बोलिए चाहते हैं या नहीं चाहते। अब आपने 19 के चुनाव में मोदी जी की झोली में 14 में से 12 सीटें डाल दी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और पहले ही सत्र के अंदर धारा 370 और 35 ए को उखाड़ कर फेंकने का काम नरेंद्र मोदी। और मित्रों धारा 370 जाते ही अपना कश्मीर हमेशा के लिए भारत माता का अभिन्न अंग बन गया है, भारत माता का मुकुट मणि बन गया है। और ये कहते हैं कि कश्मीर का झारखंड से क्या लेन देन। राहुल बाबा आपको मालूम नहीं है आपकी आंखों पर इटालियन चश्मा चढ़ा है, इटालियन चश्मा। ये झारखंड के सैकड़ों हजारों युवाओं ने कहीं सीआरपीएफ में, कहीं बीएसएफ में, कहीं सेना में कश्मीर को बचाने के लिए ये बर्फीली चोटियों पर अपना खून बहाया है, खून बहाया है। राहुल बाबा आपको मालूम नहीं है, और पूरा देश चाहता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहे। मित्रों ये कहते हैं देश की सुरक्षा से झारखंड का भला क्या लेन देन। मुझे बताओ भाई पाकुड़ा वालों, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो कि देश सुरक्षित रहे, बताओ जरा, ऐसे नहीं जोर से बताओ। मित्रों 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया देश में घुसते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उनको आदत पड़ी थी। फिर झारखंड वालों ने मोदी जी की सरकार बनाई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया, उनको लगा इस बार भी कुछ नहीं होगा। वो भूल गए कि इस बार मौनी बाबा नहीं 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। मित्रों 10 ही दिन में मोदी जी ने सेना को हुक्म दिया, वायुसेना और थल सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा कर वापिस आए। मुझे बताओ ये हेमंत जी और राहुल बाबा की सरकार देश को सुरक्षित रख सकती है क्या, रख सकती है क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करने से देश सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा? मित्रों ये कहते हैं कि झारखंड में देश की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, वो झारखंड वालों की देशभक्ति को ललकारते हैं। मैं झारखंड की जनता को कहने आया हूं जिस नरेंद्र मोदी जी ने देश की सुरक्षा को डंके की चोट पर सुरक्षित किया, उनके हाथ मजबूत करने के लिए आप कमल के निशान पर बटन दबाइए। मित्रों अभी सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के लिए फैसला दिया, सौ सालों से दुनिया भर के भारतीयों की मांग थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आप मुझे बताओ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस के नेता और वकील सुप्रीम कोर्ट में कहते थे कपिल सिब्बल साहब कि अभी मत चलाइए केस, बाद में चलाइए,
क्यों भाई? आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, 4 माह के अंदर आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी ना विकास कर सकती है, ना देश को सुरक्षित कर सकती है, ना देश की जनता की जन भावनाओं का सम्मान कर सकती है। अगर आप विकास नहीं दे सकते, अगर देश को सुरक्षा नहीं दे सकते, अगर जनता की जन भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो जनता आपको सत्ता पर क्यों बिठाए? मुझे बताओ भाई पाकुड़ वालों, वोट देने जाना है, क्या करोगे? जोर से बोलो, क्या करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? हमारे गुप्ता जी को जिताओगे? आगे आओ भाई, अरे आगे आइए, आगे आइए, क्या करोगे? हमारे गुप्ता जी को जिताओगे? रघुवर जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।